हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल द ब्यूटी केयर में। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी खजूर के फायदे। सभी लोगों को पता है, सभी लोग खजूर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कितना बेनिफिशियल है? तो आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ बेनिफिट्स ऑफ डेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो खजूर होता है वो ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें जो खजूर है वो भी उसे लिस्ट में आता है। खजूर के काफी सारे ऐसे फायदे हैं जो आपको कुछ नॉलेज में होंगे लेकिन कुछ नॉलेज में नहीं होंगे। तो ऐसे ही कुछ फायदे हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो खजूर खाने का फायदा है वो ये है कि ये खून को बढ़ाने में काफी हेल्प करता है। आपका खून की अगर आपको कमी हो रही है या खून आपका, किसी का खून काफी पतला होता है, किसी का ब्लड काफी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, जो खजूर है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपका जो ब्लड है वो रेगुलर रहेगा। अगर वो थिक है तो वो उसको सही करने में हेल्प करेगा, कमी हो रही है तो उसको फिल करने में काफी हेल्प करता है। इसको औषधि की तरह भी कई जगह यूज किया जाता है खजूर। अगर आपको ब्लड की कमी हो रही है, स्पेशली लड़कियों के लिए ये काफी बेनिफिशियल है। अगर आप हर दिन पर डे 1 से 2 खजूर खाती हैं, 2-3 खजूर, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इसमें काफी सारे विटामिन्स होते हैं जो आपके बॉडी है उसको भी इम्प्रूव करते हैं, उसी के साथ साथ आपका जो ब्लड है उसकी मात्रा को पूरा करते हैं। खजूर में पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, विटामिन्स हो गए, ये सारी चीजें जो होती है पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा पुराने जमाने में, कई बार जब कोई बेहोश हो जाता था तो उसको गर्म दूध के साथ खजूर दिए जाते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि बेसिकली जो सबसे ज्यादा बेहोश होने के केसेस आते हैं वो तब आते हैं जब आपको ब्लड की कमी हो रही होती है या आपको क्लॉट्स बन रहे हैं, तो इस टाइप की जब प्रॉब्लम होती है तो उसमें जो खजूर है वो बहुत ही ज्यादा आपको फायदा पहुंचाता है। खजूर होता है वो विटामिन से फिल होता है, और इसी के साथ साथ आपकी आईज के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी आईज वीक हो रही है या आपकी आंखों की जो रोशनी है उसको शार्प करने में खजूर काफी हेल्प करता है। और स्पेशली कई लोगों को कई बार स्वेटिंग आ रही है अचानक से, या अचानक से ठंड लग रही है, या लेजीनेस हो रही है, डलनेस हो रही है, काम करने का मन नहीं हो रहा है, तो इस टाइप का अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिना किसी रीजन के आपको बॉडी में काफी डलनेस हो रही है तो आप खजूर का सेवन कीजिए, ये आपकी बॉडी के लिए काफी हेल्दी है। अगर किसी को एनीमिया का प्रॉब्लम है तो इसमें आप 3 से 4 खजूर को एक ग्लास जो गर्म दूध होता है उसमें भिगोकर या उसमें मिक्स करके आप उसको चबा के खा भी सकते हैं, या उसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसको अगर आप लेते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा। इसी के साथ साथ जो खजूर है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी हेल्प करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, कई बीमारियों को होने से रोकता है, क्योंकि इसमें काफी सारे विटामिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। और अगर बॉडी हेल्दी रहती है तो इससे आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग होती है। और उसी के साथ साथ खजूर बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है उसको इम्प्रूव करने में, उसको बढ़ाने में भी काफी हेल्प करता है। इसी तरीके से जो दूसरा बहुत अच्छा फायदा है खजूर खाने का वो ये है कि अगर आपका वेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो भी ये फायदेमंद है, और अगर आपको काफी वीकनेस हो रही है, आप काफी कमजोर हैं, तो उसमें भी ये काफी इम्प्रूव करेगा आपकी बॉडी में। इसको खाने का कोई भी रेसिपी जब बताई जाती है अगर आप उसको राइट वे में ले रहे हैं तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपको वेट लूज हो रहा है तो आप खजूर खाइए। खजूर आपको विटामिन्स, प्रोटीन और बॉडी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको पूरा करेगा, तो उससे क्या होगा, आप हेल्दी रहेंगे और आपको वीकनेस में काफी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, वीकनेस कम हो जाएगी, लेजीनेस कम हो जाएगी, तो इससे आपका जो बॉडी है उसको एक बैलेंस रखने के लिए डाइट के साथ साथ आप उसमें अच्छी डाइट के साथ खजूर भी ऐड करें। वहीं अगर किसी का वेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो रात में एक गिलास पानी में 3 से 4 खजूर भिगो दीजिए, ड्राई वाले जो खजूर आते हैं वो भिगो के सुबह आप उसे चाहें तो चबा के खा लीजिए, या उसे अच्छे से पीस लें उसी में, या उसका जो पानी है उसे पी लीजिए, उसके बाद 2 ग्लास गर्म पानी पी लीजिए। ऐसा अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो ये आपका वेट को सही तरीके से लूज करने में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप डाइट छोड़ देते हैं, आप ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है ये कभी भी एक हेल्दी वे नहीं है डाइटिंग का। तो आप ऐसे में अगर खजूर को इस तरीके से लेते हैं उसके आधे घंटे बाद या 45 मिनट के बाद आप एक ब्रेकफास्ट जो भी आपकी मील होती है उसे लीजिए, फैट को थोड़ा अवॉइड कीजिए, तो ये आपकी जो बॉडी है वेट को लूज करने में काफी हेल्प करेगा, वो भी एक हेल्दी वे में।
तो इस टाइप से जो खजूर है आपका शुगर भी बैलेंस्ड करता है, विटामिन्स होते हैं उसमें, तो वो आपकी बॉडी में जितने भी विटामिन्स या पोषक तत्वों की कमी है उसको भी फिट करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसी के साथ साथ जो तीसरा बहुत अच्छा फायदा है वो है बच्चों के लिए। कई लोगों को पता नहीं है कि बच्चों को भी अगर आप डेट्स मतलब खजूर अगर आप देते हैं अपनी डाइट में तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बच्चों के लिए कैसे हेल्दी है, अगर बच्चा 6 महीने के ऊपर है, कई बार क्या होता है बच्चे खाना बहुत अवॉइड करते हैं, कई बार वो दूध नहीं पीते हैं या फिर वो खेलने कूदने में इतना बिजी हो जाते हैं, उनको उनकी जो डाइट होती है हम उन्हें प्रॉपर नहीं दे पाते हैं या वो कई बार हरी सब्जियां या इस टाइप की चीजें नहीं खाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जैसे आप दलिया या कोई खिचड़ी देते हैं इसी तरीके से थोड़े से एक कटोरी दूध में 2 खजूर छोटे खजूर जो होते हैं उन्हें अच्छे से उसमें या तो घोल लीजिए, उसे कैसे भी ग्राइंड कर लीजिए या उसके छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए, ग्राइंड कर देंगे ज़्यादा सही है, तो उसको आप दलिया जैसे देते हैं थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, वो डार्क हो जाएगा और बच्चे को चम्मच से दीजिए। अगर आप वो देते हैं तो इससे बच्चों में विटामिन की भी कमी नहीं होगी, बच्चों को पोषक तत्व भी मिलेगा और उसी के साथ साथ बच्चों की हाइट हो गई उसमें इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ बच्चे हेल्दी रहेंगे, बच्चों को किसी भी तरीके की बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होगी और एक हेल्दी वे में बच्चे ग्रोथ करेंगे। इसी के साथ साथ जिनको कई लोगों को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है, हमारा जो मेरुदंड बोलते हैं जिसको, कई बार क्या होता है हम गलत पोजीशन में बैठ जाते हैं या कई बार बैग होता है या काफ़ी कोई भी रीज़न होता है जिससे हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है, उसका जो एक स्ट्रेट होती है वो थोड़ा सा खराब हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप खजूर लेते हैं तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए उनको स्ट्रॉन्ग करने में और उनको सीधा करने में काफ़ी हेल्प करता है। खजूर का फायदा डायबिटीज़ वालों को भी है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर जिन लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो एक तो उन्हें मीठा अवॉइड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ज़्यादा सेवन ना करें। अगर आप सही डाइट या सही तरीके से सही क्वांटिटी लेते हैं खजूर की तो वो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एक तो ये इंसुलिन को बैलेंस्ड करता है, अगर आप एक दिन में एक खजूर ले लेते हैं, कई बार मीठा खाने का मन होता है तो आप इधर उधर की वाइट शुगर ना लेकर एक खजूर भी खाते हैं तो आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे और उसी के साथ साथ आपकी जो डायबिटीज़ है इंसुलिन है उसके बैलेंस करने में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेशली जिन लोगों को शुगर है, पैकेट या जिस भी ब्रांड का आप खजूर खा रहे हैं, डेट्स ले रहे हैं, आप उसमें देख लीजिए कि वो वाइट शुगर में ऐड ना हो, क्योंकि खजूर जो बनता है वो या तो गुड़ में बनाया जाता है या चीनी में भिगो के रखा जाता है, तो आप वाइट शुगर ना लेके जो खजूर गुड़ में बना हुआ हो उसका यूज़ करें। तो इस तरीके से शुगर पेशेंट्स के लिए भी खजूर अगर एक सही क्वांटिटी में लेते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल है और एक बार डॉक्टर एडवाइस जरूर लें। प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में भी खजूर खाने का बहुत फ़ायदा होता है। आप 5th मंथ के बाद, स्टार्टिंग में नहीं खाना है, 5th मंथ के बाद आप चाहें तो खजूर की 1-2 खजूर की क्वांटिटी को स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपका जो यूट्रस है उसको स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प करता है खजूर। इसी के साथ साथ कई बार डिलीवरी टाइम पे जो ऐठन होती है, बॉडी पेन होता है, जितने भी तरीके के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं या हमारी बॉडी को ब्लड की ज़रूरत होती है, कई लोगों को ब्लड की कमी हो जाती है, तो एक प्रेगनेंसी में हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर आप खजूर खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे खजूर के फायदे हैं जिन्हें आप सही तरीके से अगर सेवन करें तो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी और चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सी नॉलेज लेना चाहते हैं, ये भी ज़रूर कमेंट।